वी हैव क्वाइट अ क्राउड हियर सुमित। यस, और जो माहौल है ये देखिए। इनफैक्ट एनडीटीवी के इंडिया के दर्शकों का भी स्वागत कर लेते हैं। मैं सुमित हूँ, मेरे साथ मारिया है मौजूद यहाँ पे। ये आप साइमल कास्ट देख पा रहे हैं पूरे एनडीटीवी नेटवर्क पर एक साथ। इस वक्त हम राम की पेड़ी पर हैं अयोध्या धाम में, और कल वो जिस क्षण का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, महज 24 घंटे का वक्त बाकी रह गया है जब यहाँ पर सब कुछ जिसके लिए आंदोलन चला इतने सालों साल का, जैसे कि कहा जा रहा है कि 500 साल के इंतजार के बाद ये घड़ी आई है, वो घड़ी वो पल कल आने वाला है। उसके 24 घंटे पहले की ये बड़ी कवरेज इस वक्त आप राम की पेड़ी सरयू के तट से हमारे साथ देख रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ है, परिचय कराइए। हमारे साथ है लोकल्स, जो जरूरी है यहाँ पर ये बताना कि जो अयोध्या है, जो सिटी ऑफ अयोध्या, हाउ इट हैज चेंज्ड एंड हाउ द लोकल्स, रेसिडेंट्स ऑफ अयोध्या सी इट। डॉक्टर शिखा जैन इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। वी हैव प्रोफेसर बद्री नारायण, वी ऑल्सो हैव सुशील पांडे हु इज अ हिस्टोरियन। बट बिफोर द एवरीथिंग, लेट्स स्पीक टू द जनता। आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए हैं? गोंडा। गोंडा से आए हैं, तो बगल में है, पास में है, तो आप हमेशा आते रहते हैं? हमेशा, जरूरी है। राम जी की, आप लोग यहाँ के लोकल्स हैं? इंदौर से आए, इंदौर से आए। इंदौर से आए, कब से आए हुए हैं? कल आए हैं। कल से आए, और कब तक रहेंगे? उसके बाद जाएंगे, 23 को जाएंगे हम लोग। सबका इंतजार दरअसल वही है हमारिया की, सबको 22 तारीख का इंतजार है। आज सिक्योरिटी ज्यादा हो गई है, इसी चक्कर में यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है। जैसे कल हम लोग यहाँ शो कर रहे Absolutely. थे, तो आप 5 मिनट में बोलना शुरू करो, नहीं कि पीछे 500 आदमी खड़े हो जाते थे। आज क्योंकि कल के लिए तैयारियां चल रही हैं, काफी ज्यादा सिक्योरिटी चेक से हमको भी काफी पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ा है। करीब 1.5 किलोमीटर का वॉक हुआ है, लोग हमारे साथ हैं। आप रोज यहाँ रह रहे हैं, आप पुष्कर से आए ना? मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूँ, आप रोज मुझे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र हिंदू है। राजेंद्र हिंदू, मैंने आपसे पूछा भी था कि ये हिंदू क्यों लगाते हैं आगे, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र खन्ना, ऐसा क्यों नहीं? सर मेरा नाम वैसे तो राजेंद्र सिंह है, मैं हिंदू इसलिए लगाता हूँ ताकि लोग भेदभाव न करे, ऊंच नीच न करे। जैसे मैं जाति से राजपूत आता हूँ, तो किसी को राजपूत बताए तो वो छूछात का आ जाता है उसमें। ये सब तरह की कहानियां यहाँ पे बहुत सारी है। हमारे साथ बद्री जी भी है, हमारे साथ सुशील जी भी है। बद्री जी स्वागत है आपका, इस ठंड में आपको तंग कर रहे हैं इसके लिए माफी चाहते हैं। पहला कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा, आज के दिन को, अगले 24 घंटे और उसके बाद की आने वाले 24 सालों की जो राजनीति है, या 2400 सालों की जो राजनीति है, उसको आप कैसे जोड़ सकते हैं 22 जनवरी के साथ? देखिए, 22 जनवरी भारतीय राजनीति और खासकर जनतंत्र की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये आगे के भारत की भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगी। विशेष करके जो नया राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें राम जन्मभूमि की बड़ी भूमिका होगी, और इससे एक सर्वसमावेशी विकास और सर्वसमावेशी समाज बनने की का भी मैसेज जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें जटायु, इसमें सबरी, इसमें बहुत सारे जो डिटीज हैं, जो हमारे उपेक्षित समूहों से जुड़े हुए हैं, उनकी भी स्टैचूज बन रही हैं, उनकी छोटे टेंपल बन रहे हैं। तो एक सर्वसमावेशी राजनीति के लिए भी ये जरूरी है, और ख़ास करके एक जो एक मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन की पॉलिटिक्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगी और राष्ट्र निर्माण की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अलावा इस तरह की चीज़ें जो हमारे यहाँ, जो जैसे जो धार्मिक स्थल होते हैं, वैष्णो देवी हो गई, शिरडी हो गया, तिरुपति हो गया, ये सब रोजगार के भी साधन पैदा करते हैं, विकास के साधन भी पैदा करते हैं, है ना? तो इससे कितनी बड़ी मदद मिलेगी उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान? सुमित जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप देखिए, ये जो विकास हो रहा है, विकास का ये जो मॉडल है, इसमें कल्चर एंड जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने का मॉडल है, और इससे एक लाइवलीहुड क्रिएट होगा यहाँ लोकल लोगों को और बाहर के भी लोगों को, और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। देखिए, बनारस, अयोध्या, ये सारे ऐसे जगह हैं, प्रयाग, जिनसे यूपी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और इससे जो भारत का जो अभी 5वीं इकोनॉमी बनी है वो और आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो एक नया विकास मॉडल है, yes. जिसमें टूरिज्म को लेकर के, और खास कल्चर और रिलीजियस सेंटिमेंट को, रिलीजियस स्पेसेस को टूरिज्म के साथ जोड़ना, अच्छे से इसको मिक्स किया गया है, yes. बड़ा अच्छा फायदा हो रहा है जी। आई विल टेक दैट थ्रेड फॉरवर्ड विद समवन फ्रॉम हियर। डॉक्टर शिखा जैन, यू नो यू आर इन्वॉल्वड इन दैट यू नो इवेंट दैट हैपेंस एवरी on the occasion of Deepotsav, right? Which is now a Guinness Book of World Record wala hota hai. Give us a sense, what does it mean to be a resident of Ayodhya right now? What are the changes that you're witnessing in front of you? You know, because for outsiders like us, we are seeing Ram Ki Paidi, you know, perhaps very, very decked up. The roads have widened. There are a lot of infrastructure push that is seen. But from your eyes, what do you see?
मैं डॉक्टर शिक्षा जैन, आफ्टर मैरिज जब मैं यहाँ अयोध्या नगरी आई थी तो मेरे माइंड में जो एक इमेज बनी हुई थी कि राम की नगरी अयोध्या नगरी जो है वो एक छोटा सा गांव है, छोटा सा शहर है जहाँ पे कुछ विकास करने का रास्ता नहीं है, तो हम क्यों बड़े शहर से छोटे शहर में जाएं। लेकिन आज जिस तरीके से डे टू डे डेवलपमेंट हो रहा है भगवान राम के भक्तों के लिए, तो अब आज हम कह सकते हैं कि आज हम बहुत बड़े से स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम राम की नगरी में रह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे बाबा जी भी आ गए। ये स्मार्ट सिटी सब लोग बोल रहा है, ये जो शहर है अयोध्या नगरी वो बहुत बदल गई है, क्या क्या बदलते आपने देखा है? रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, ये भगवान राम की अनुग्रह की भूमि है, भगवान की कृपा की भूमि में सब कुछ यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, यहाँ जो भी चाहिए भगवान की इच्छा मात्र से सर्वस्व, जब जब स्वर्ग यहाँ उतर सकता है तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है, शंका करना निश्चित रूप से मेरी बुद्धि का कारण है, लेकिन प्रकृति परमात्मा के अनुसार होने वाली कल्पनाओं को साकार करने वाली व्यवस्था में जीवन की उत्पत्ति के कारण के निमित्त में प्रवेश करने वाली वृत्तियों को जागृत करने वाली भावनाओं को ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं से अपनी गति में गतिमान करने वाली गति को जब परमात्मा एक बिंदु के रूप में छोड़ता है, प्रकृति अपने आप परिवर्तित हो जाती है। यह राम की अनुग्रह भूमि है, अवतरण भूमि पर राम की धारा में बिंदु के एक भी सिंधु का एक क्षण, अगर एक रेता यहां आ जाए यह स्वर्ग से भी सुंदर हो सकता है। फिर इसके परिवर्तन की बात करना कहीं ना कहीं बहुत छोटी बात होगी, इसलिए बहुत कुछ बदलेगा, अभी तो यह भी तो प्रारंभ है। बाबा एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, बुरा नहीं मानिएगा, हम हमेशा आपसे पूछते हैं आपकी इजाजत से, कितने रुद्राक्ष है? 51,000 ही है कि ज्यादा बढ़ गए हैं? हरी बढ़ गए भैया, क्योंकि 40 किलो रुद्राक्षों की संख्या है और इसे मैं निरंतर धारण करता हूँ, और ये तो महाराज नेपाल नरेश का दिया हुआ है, शेष सारे संतों का प्रसाद के रूप में प्राप्त है। आपको मैं टीवी पे बहुत देखता हूँ, नहीं तो आपके वीडियोस खूब देखता हूँ और आपके साथ टीवी के जरिए बात भी की है बाबा जी। ये रुद्राक्ष पहनने के पीछे की कहानी क्या है, ये भक्ति किस तरह की भक्ति है? देखिए शिवपुराण में इसका विशेष महत्व है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पंडक भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्यशांग बंधि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रय जबरदम वंदे शिवम शंकरम। 26 मुक्तक के रुद्राक्षों का वर्णन शिवपुराण में आता है, लेकिन रुद्राक्ष रोंग जूंग फट एक मंत्र है जिससे प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, बिना प्राण प्रतिष्ठा के रुद्राक्ष धारण करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता, रुद्राक्ष खरीदा नहीं होना चाहिए, अगर आप खरीद के पहनते रुद्राक्ष तब भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक मुखी रुद्राक्ष अति दुर्लभ है जो लोगों को प्राप्त नहीं होता है, अगर हो जाए महाराज तो आप जो भी चाहे। तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी वैसी होती है जैसी कल होने वाली है राम लला की? देवता रुद्राक्ष में कोई भेद नहीं है, या देवता की तरह ही है, इसीलिए इसको देव की तरह इसको आप पूजन करें, इनका अभिषेक होता है, पूजन होता है नित्य, इनकी फिर इनको धारण किया जा सकता है। बहुत से लोग रुद्राक्ष पहनते हैं लेकिन उनको रुद्राक्ष का मतलब ही नहीं पता, आज जिन्होंने देखा होगा एनडीटीवी को उनको पता लग गया होगा आपके जरिए कि रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। ये भी जानना जरूरी है सुमित कि अगले 24 घंटे में क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल, क्या क्या प्रोसेसेस होने वाले आप बताइए, क्या क्या होने वाला है, क्या रिचुअल्स होगा अभी से लेकर के कल 12:30 बजे? आज भगवान की दया से आज एकादशी है और हम लोग अयोध्यापुरी में है और कल द्वादशी है, तो एकादशी में आज विविध कार्यक्रम है, प्रतिष्ठा के पूर्व जितने कार्यक्रम होते हैं वो और कल प्रतिष्ठा भगवान की हो जाएगी। तो क्या क्या कार्यक्रम होते हैं आज प्रतिष्ठा से पूर्व? भगवान का जितने वास है, हमारे जलाधिवास, हमारे दुग्धवास, शैयावास, और इसके बाद आज की प्रक्रिया है कि भगवान विभिन्न औषधियों से, विभिन्न पुष्पों से भगवान का स्नान करा करके, शैया दे करके कल भगवान को प्रतिष्ठित किया जाएगा। हमारे साथ बारिया, बहुत ही मैं चाहता हूँ कैमरा इधर, अगर जो भी कैमरा पकड़ सके इन बाबा जी को पकड़े। आप कहाँ?
वक्त हम लोग राम की पेड़ी पर मौजूद हैं अयोध्या धाम में। कुछ लोग खास हमारे साथ बने हुए हैं। इजाजत हो तो शुरू कर लूं? बिल्कुल। एक आशीष हमारे साथ हैं। जी जी जी। आशीष ग्वालियर से आए हैं। जी जी, मैं ग्वालियर से आया हूं और प्रभु श्री राम के लिए मैंने एक भजन खुद रचा है, उन्हें समर्पित करने आया हूं एनडीटीवी के माध्यम से, अगर आप इजाजत दे दो। मेरे मन में राम बसे हैं, ओ मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम, राम लला का राज तिलक है, ओ राम लला का राज तिलक है, सजा अयोध्या धाम, तुम भी बोलो हम भी बोले जय जय सीताराम। और सरयू के किनारे हो तो दो लाइन सरयू के लिए। सरयू के पावन पनघट पे, सरयू के पावन पनघट पे देवों के हैं देव खड़े, ब्रह्मा भी आए हैं अयोध्या रघुनंदन को नमन किए, देवलोक उतरा है धरातल, ओ देवलोक उतरा है धरातल, रघुनंदन को नमन किए, राम में रम कर बच्चा बच्चा जय जय सीता राम कहे, राम में रम कर बच्चा बच्चा जय जय सीता राम कहे। ओके शांतनु, व्हाट मेक्स पीपल सच सिंगर्स हियर? I think who cannot be a singer here. I used to come to this place around 6-7 years back. This place was so dirty. In the morning 9 o'clock, see, this person is cleaning Sariu. We have such a nice picture of Hanumanji. Amazing songs of Ramji in the air, right? I'm coming from Lata Mangeshkar Chowk. Even the selfie points are Sri Ram selfie points. Sumit is taking selfie with the sadhu. Bharat is changing. Now we are not taking selfies with film actors. We are taking selfies with the sadhu and Sri Ram. Okay, so since you are a young resident, aap kahan se aayi? Ji, main Madhya Pradesh se. Madhya Pradesh se aayi hai. Kab tak rahengi? Madhya Pradesh mein Sanawat se hoon. Aur main abhi 3 din yahan par hi hoon. और ये जो मिक्स है ना स्थानीय लोगों और बाहर से, मैं जब से आई हूँ तब से मैंने श्री राम जी के चमत्कार ही चमत्कार देखे। सबसे पहला चमत्कार तो ये है कि ठंड मुझे मतलब थोड़ा लेट हो गया गाड़ी, जिस वजह से हमको कहीं स्टे करना पड़ा, तो एक व्यक्ति आता है वो भोजन देता है, एक व्यक्ति आता है वो कंबल देता है, एक व्यक्ति आता है वो गादी देता है, मतलब हर पल यहाँ से आते टाइम भी किसी ने बोला दीदी आप पैदल जा रहे हो, मैं अम्मा जी के साथ हूँ, तो बोले दीदी आप पैदल जा रहे हो आपका पास है, मैंने कहा हाँ है, पैदल जा रहे हो, हाँ, मैंने कहा छूट गई गाड़ी नहीं मिल पाया, तो गाड़ी भी छोड़ने आ गई। क्या बात है, आपके आपके अनुभव आपके जैसे अनुभव और भी जिगर साक्षात हमारे साथ इतिहासकार सुशील जी हैं। सुशील जी, यहाँ तो साकार की बात बहुत हो रही है राम के नाम पर, ये करिश्मा हुआ, ये चमत्कार हुआ, ये मदद हुई, आप इसको निराकार के तौर पर कैसे देखेंगे? सुमित जी, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं कि हनुमान जी के हृदय में जैसे भगवान राम विराजमान हैं, ऐसे ही आप आज साकार रूप तो सब लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है और पूरी दुनिया उनसे प्रेरणा ले रही है, लेकिन एक ऐसा निराकार का उदाहरण है इतिहास में कि छत्तीसगढ़ में परशुराम नाम के एक नवयुवक ने जब दलित समाज से कुछ भेदभाव की शिकायत आई तो उन्होंने भगवान राम को अपने शरीर में बसा लिया और वहाँ रामनामी संप्रदाय जो विकसित हुआ, वो लोग अपने पूरे शरीर पर गोदना या टैटू बनवाते हैं राम का, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने पूरे अपने शरीर में भगवान राम को बसा लिया। तो जो निराकार रूप है कि वो लोग अपना अंतिम संस्कार अग्निदाह नहीं करते हैं बल्कि इसलिए दफनाते हैं कि कहीं राम नाम न जल जाए, तो ये जो श्रद्धा भगवान राम के प्रति है समाज में, तो वो साकार के संभव है। हमारे साथ रतन जी, कहाँ चले गए शारदा जी? अरे कहाँ छुपे हो सर आप, कहाँ पीछे? आगे आइए, आगे आइए। लोगों का रेला इतना है। आप अच्छा सबको स्थानीय लोगों को बिल्कुल बिल्कुल आप तो इतने दिनों के बाद लौटे हैं और आप पिछले 3 दिनों से हमारे साथ हैं। इन 3 दिनों में
क्या 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 देख लिया आपने, गए कि नहीं दर्शन करके? देखिए कल हम गए थे हनुमानगढ़ी, गलियां पार करते हुए हनुमानगढ़ी देखा, कार से पैदल चलना पड़ा होगा, बस सब गाड़ी चले, पर इतना सुंदर रास्ता था, इतना बढ़िया सारी सजावट थी कि चलने में आनंद आ रहा था, और सारी सफाई वहाँ के बदला हुआ चरित्र, बिल्कुल सारा चित्र जो वहाँ का, हनुमानगढ़ी में चार गुना सड़कें बन गई, ऊपर तक सफाई, रंग बिरंगे फिर एक जैसे रंग, बहुत ही अद्भुत परिवर्तन हुआ। धर्म मार्ग राम मार्ग कहाँ तक लेके जा रहा है? देखिए ये दिखाता है कि तीर्थ स्थान को यदि आप पुनर्जीवित करते हैं तो किस प्रकार से उसका एक अलग ही आनंद है, और ये मैंने देखा, ये परिवर्तन जो देखा है वो अद्भुत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, इन्होंने हमेशा राम सेवकों की सेवा की है, राम की सेवा की है। आपको याद होगा 1990 में जब मुलायम सिंह ने सबको भर भर के जेल में डाला था और ट्रेनें 100-100 किलोमीटर दूर रोकी थी, तो जो 5-5, 6-6 किलोमीटर चले, उनको रास्ते में लोगों ने खाना खिलाया, भर भर खाना खिलाया, उनके पैर धोए, उनको गर्म पानी दिया ताकि पैरों के छाले मिटे, और छुपा छुपा कर आगर तक लेके गए। और कई जगह तो ऐसे जेल थे जहाँ पर इतना खाना आ रहा था कि वहाँ के कार सेवकों ने बताया कि हम आगे तो जा नहीं पाए, पहली बार हुआ कि अधिक खाने से पेट खराब हुआ। ये यहाँ पर साइकिलिस्ट हैं सुमित? हाँ, बिल्कुल। 600 किलोमीटर साइकिल, 700 किलोमीटर, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं नरसिंहपुर के नरसिंहपुर जिले से हूँ। और कितने लोग हैं? हमारे साथ 3 लोग हैं। अच्छा। मैं ब्रजेश पटेल, नरेंद्र और कृष्णा यादव, 2 सहयोगी अनिल और रोहित। मैडम मैं एक चौपाई से अपनी बात, क्योंकि इतना हम लोगों ने मेहनत करके आए हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, और जो इच्छा करो मन माही, राम के पास दुर्लभ कछु नाही। हम लोग 700 किलोमीटर साइकिल चला के आए मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से, और लगातार 100 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोगों ने साइकिल चलाई। 7 दिन में हम लोग यहाँ आ गए, 3 दिन से, और अयोध्या में आते ही हमारी पूरी थकावट मिट गई। इतना शानदार है, योगी जी और मोदी जी ने इतना हम लोगों का भव्य स्वागत यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया, पूरी थकावट 700 किलोमीटर की लगी नहीं रहा कि हम 700 किलोमीटर चल के इतना चलाए हैं आप साइकिल। हाँ, पहले अच्छा पूछा आपने, पहले मैंने इसी सौर दिवस के दिन 6 दिसंबर को 1100 किलोमीटर नरसिंहपुर से दिल्ली तक साइकिल चलाई थी, और आदरणीय मोदी जी से मुलाकात हुई थी। और आप लोग रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, राम जी के भरोसे हम चले थे, और सभी राम भक्तों ने भव्य स्वागत किया। बाबा जी देखिए इनका जो संकल्प है वो साकार रूप, इसलिए जब आपको हम मन वहां ले जाएं, भगवान रामलला आ रहे हैं ना, रावण का वध करके आ रहे हैं, जब राम रावण युद्ध शुरू हुआ तो राक्षसों ने जब आक्रमण कर दिया देवताओं पर, बानरों पे, सब बानर मूर्छित हो गए, तो राम कृपा का प्रसाद कैसे प्राप्त होता है? तो भगवान ने सबको देखा महाराज, तो बड़ी पीड़ा हुई, भगवान ने जब दृष्टिपात कर दिया महाराज, तो सारे मूर्छित ब्राह्मण स्वस्थ हो गए, फिर से जीवित हो गए, और राक्षस जो थे वो निस्तेज हो गए, जिनकी दृष्टि में इतना तेज है कि उनका उनकी दृष्टि पड़ जाए तो जीवन व्यक्ति का फिर से उत्पन्न हो सकता है, प्राण आ सकता है, तो उनके भक्त को थकान नहीं महाराज, यमराज भी नहीं रोक सकता है, या इनकी श्रद्धा का प्रश्न है, विश्वास। अकह राम जी के प्रति श्रद्धा होगी कब? कहा जब राम जी के बारे में जानेंगे तब, राम जी के बारे में जानेंगे कब? कहा जब विश्वास होगा तब, विश्वास होगा कब? कहा जब प्रेम होगा तब, प्रेम होगा कब? कहा जब भक्ति होगी तब, भक्ति होगी कब? कहा जब भाव होगा तब, भाव होगा कब? कहा जब संकल्प होगा तब, संकल्प होगा कब? कहा जब साधना होगी तब, साधना होगी कब? कहा जब समर्पण होगा तब, समर्पण होगा कब? कहा जब धर्म होगा तब, धर्म होगा कब? कहा जब राम जी में श्रद्धा होगी तब। ये राम जी का अस्तित्व है, राम जी का व्यक्तित्व है, राम जी का विचार है, राम जी का संकल्प है, राम जी की साधना है, राम जी की भूमि है, राम जी का अवतरण कृपा भूमि है। अवध प्रभाव जान जब प्राणी, यहाँ के रहने वाले जी रमय आश्रम से, अवध प्रभाव जान जब प्राणी, तब और बसे राम धन पानी। अवध का प्रभाव तभी जान सकते हैं जब भगवान हृदय में वास करते हैं, और आज तो कण कण में भगवान का जो वास अयोध्या में, यहाँ पर अयोध्या में हर मोड़ पर कोई सिंगर है, कोई आपको अयोध्या के लोग सुनाने वाले मेरे साथ, देखिए कहाँ कहाँ से मैं, आप कहाँ कहाँ से आए वही बताइए। जनवरी से 5 फरवरी राम कथा है, राजस्थान, हरियाणा, आप कहाँ से आए? उत्तराखंड। आप झारखंड से? आप कहाँ से? आप कहाँ? हम यहाँ झालावाड़। झालावाड़ से? आप कैमूर बिहार से? आप कहाँ? बिहार के कैमूर जिला से। ये देखिए ये पूरा हिंदुस्तान है, बिहार है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आप कितना चल के आए हैं? 500 किलोमीटर पद यात्रा करके आए हैं। आपकी उम्र कितनी? 70 साल। 70 साल के हैं, 500 किलोमीटर पैदल चले हैं और अयोध्या पहुँचे हैं, क्यों आए हैं? हम आए हैं कि जब सन 92 में मुलायम सिंह हत्यारे ने हमारे कार सेवकों पे गोली वहाँ चलाई थी, उसमें हम भी बंदे रहे, जेल में रहे थे, यातना सही थी। आज वो हमारे कार सेवकों ने हमारे पूर्वजों की जो संघर्ष था
वो पूरा किया बलिदान दे करके। और हम कहने आए राम जी से कि हमारे योगी मोदी जी की आयु दुगनी कर दें। और ये जो मैं सुमित जी, ये जो पूरा देश यहाँ इकट्ठा है, मैं अभी कल आ रहा था तो देखा सारे रास्ते में पूरी रोशनी जली हुई है, जैसे लग रहा था पूरा राममय हो गया है। तो ये सिर्फ यहाँ आयोजन नहीं हो रहा है, ये गांव-गांव में लोग अपने अपने मंदिरों में तस्वीरें के देश एक देश भर यहाँ इकट्ठा है। और देश में जहाँ जहाँ जो लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं वो भी राम की स्मृति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर रोशनी है, मंदिरों में पूजा हो रहे हैं, अखंड कीर्तन चल रहा है। और औरतें जो घरों से नहीं निकल पाई हैं वो राम की भजन और राम की कीर्तन, कल हम एक गांव में गए थे वहां औरतें राम की भजन गा रही थी, कीर्तन गा रही थी, एकदम जैसे लग रहा है राममय इकोलॉजी, राममय भारत उत्सव चल रहा है। भारत उत्सव में अवधि कल्चर का एम्फेसिस भी है। द मैसेज इज ऑफ सिंक्रेटिक कल्चर, द मैसेज इज ऑफ गंगा जमुनी तहजीब एज वेल। You know, Maria, Ganga Jamuni Tehzeeb is very much reflected in our culture. And Ram story, actually, it's all India, it's for every language. But it has a root narrative from the Awadh. So Awadh cultural ecosystem reflects in that. Awadh is a place of Jayasi. Awadh is a place of all this kind of Hindu saints and sects. They all Kabir. Also he was in Banaras but traveled in Awadh many times. In fact, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ठीक करिएगा, और मैं शांतनु के पास भी आ रहा हूँ कि वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं ना हम लोग, जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, वो अवध में ही जितना खूबसूरती से देखने को मिलता है, शायद वो एक एग्जाम्पल है। आई थिंक एग्जैक्टली, और आई थिंक अवधी भाषा का ये बड़ा महत्व है कि वाल्मीकि रामायण जो 24,000 श्लोकों में लिखी गई, वाल्मीकि रामायण उससे ज्यादा प्रचलित अवधि की बाबा की तुलसी रामायण है। आप यहाँ पे हर व्यक्ति, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको कई सौ चौपाइयाँ ना याद हों। और मेरी जो खास चौपाई है मैं एक बार कहना चाहूँगा, जो जब भगवान राम को वनवास हो रहा था और एक दुविधा थी कि वनवास भेजा जाए ना भेजा जाए, लेकिन दशरथ के लिए प्रतिज्ञा इतनी बड़ी थी और जिसको हम कहते भी हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब भारत वो भूमि है जहाँ प्राण के ऊपर प्रॉमिस या वचन की ज्यादा वैल्यू है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सुमित जी की, देखिए ये हरि अवध जो है, अवध से अवधि है रामचरितमानस की, लेकिन उसकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, जो हर भाषाओं का एक समन्वय है, बुंदेली भोजपुरी ब्रज सब आपको दिखाई पड़ेंगे। और क्योंकि ये रामलीला के साथ चलती थी राम कथा, तो जहां जहां जाती थी वहां की भाषा को, वहां के शब्दों को लेती जाती थी, ये एक ओरल ट्रेडिशन रही है, इतनी समृद्ध हो पाई ये भाषा। साथियों, मैं इस पावन धरणी पे आकर के एक छोटा सा गीत दे रहा हूँ कि धन हुए हम हमें आपकी, ये दया दृष्टिया तूल मिली, और भ्रांति भंवर में परी तरणी को शांति वायु अनुकूल मिली, तो हंसने लगा हमारा मानस है जिससे सुख की मूल मिली, और बड़े भाग से इन देव आपके ये श्री चरणों की धूल मिली। आपकी आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ से आए? संतोष कुमार त्रिपाठी, कानपुर महानगर, पनकी धाम, पनकी हनुमान मंदिर। मारिया मेरे साथ तो अब वो तीनों शख्सियत आ गई हैं जिन्होंने ये खूबसूरत पेंटिंग बनाई जिसका जिक्र आपने शुरू में किया। ये पेंसिल स्केच है, ये 600 अलग अलग छोटे छोटे पेजेस हैं, उनको जोड़ा गया है और 6 महीने लगे इसको तैयार होने में। कल हमने इसको कवर किया था NDTV इंडिया पर। ये बजरंग बली की तस्वीर है लेकिन दिन में उनके प्रभु श्री राम ही हैं। और ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है। मेरा परिचय भी याद हो गया, सिद्धार्थ आपका नाम है, हिमांशु, और सिद्धार्थ कौन है? आप सिद्धार्थ हैं, आप आर्यन, हिमांशु, आर्यन और सिद्धार्थ, ये कल हमारे साथ थे। आज फिर आप लोग NDTV पर हैं और आप इस वक्त पूरे देश में देखे जा रहे हैं, NDTV हर नेटवर्क पे आप चल रहे हैं। अब आप बताइए कहानी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा मतलब हम लोग मतलब पहले से ही बना रहे थे, तो एक बार भगत सिंह की भी ड्राइंग बनाए थे और वो 150 पेज की थी, छोटी थी इससे, तो फिर हम लोगों का मतलब मन में विचार आया कि इसको बनाया जाए। तो तब जब हमने मतलब इसको बनाने का वो डिसाइड किया, तो राम मंदिर का कोई वो भी नहीं था, डेट भी नहीं डिसाइड हुआ था, लेकिन ये भगवान राम के कारण मतलब जो भी कहें कि उनके
उनके प्रताप से यहाँ लगाने का अवसर मिला और पूरा भारत हमको देख रहा है। आप कहाँ से हो आप लोग? स्वयं बस्ती से हैं। बस्ती में है जी। हम लोग बड़े बड़े शहरों से आते हैं, बड़े बड़े शहरों में सुविधा नहीं मिल पाती है जी। कितना समय लगा, कहाँ बैठ के बनाते थे, क्या करते थे? सर घर पे बैठ के बनाते थे अपने, और इसको तीनों साथ बैठते थे जब बनाते थे? नहीं सर, हम अकेले बैठते थे। अच्छा, अपना अपना बनाते थे जी। जोड़ते कैसे थे, कैसे पता था? लाइन से लाइन से लाइन मैच कैसे हुई सर? लाइन से लाइन सर ग्रेड मैटर से बनाए थे, तो लाइन से लाइन सर ऐसे बगल में पेज रख कर बनाते थे जी। और कितना समय देते थे बनाने में? एक दिन में? एक दिन में 3-4 घंटे। और कितने दिन लगे? 6 महीने। 6 महीने लगे। 6 महीने में खेल कूद पाए कि नहीं? खेल कूद पाए, खेल कूद पाए सर। जैसे कभी रात में बैठते थे कुछ देर के लिए, 3-4 घंटे करीबन जी सर। 3-4 घंटे बैठते थे जी सर। और खाना पीना सब सामान्य था? सब सामान्य। अब इतना प्रचार प्रसार हो गया आपके हनुमान जी का, आपकी इस पेंटिंग का, आपकी इस कला का, क्या उम्मीद है भविष्य में? भविष्य में उम्मीद है कि इसको अब आगे बढ़ाएंगे, और इसको आगे बढ़ाएंगे और मतलब और कितनी पेंसिल लग गई? पेंसिल तो करीब दो तीन डब्बे से ऊपर। इसको सजाने में इनको 3 घंटे लगे, मेरे सामने जोड़ रहे थे कल ये। सुमित सिंगर आर्टिस्ट, तीनों के लिए जोरदार तालियां बजा दिया। That is the beauty of this city, yes. That there are singers and there are artists, yes. Everywhere, and everybody has something to share. इस पेंटिंग को देखने से लगता है कि भगवान राम जी को पता था कि हमें इस डेट में इस दिन आना है, तो इन्होंने अपने भक्तों को पहले से ही एक आशीर्वचन कर दे दिया था, प्रेरित किया था कि आप ये चीज़ें करें। तो ये उसी का ही चमत्कार है, भगवान राम जी का है, और इसी से हमें लगता है कि हर जनों के मन में भगवान राम बस चुके हैं और भगवान राम अयोध्या नगरी में आ चुके हैं। पीछे जाएंगे यहाँ पर, हाँ, आप भी हैं यहाँ पर। कहाँ से हैं? हाँ, हम मथुरा से हैं और बॉम्बे में रहते हैं, तो वहाँ से राम जी का हमको वो प्रेरणा मिली कि हमको आना चाहिए, तो हम राम लेके आए हैं। अभी 10 दिन इधर रहना है हमको। जी, आप बोलना चाह रहे थे? हम बोलना चाहते हैं जी, बताइए। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो राम भजते शंकर को, शंकर भजते राम को। लोदेश्वर महादेवा बाराबंकी जिला सीताराम कुटी जो लोदेश्वर महादेवा में है, और अखंड जोत जल रही है 10 साल से, जब से हमारा सनातन धर्म का जोड़ा हुआ है, जब से हमारा राम की नगरी का जो है दूसरा अवतार बढ़ रहा है, और सारे देवता इकट्ठे हो गए थे, जैसे आज राम अयोध्या नगरी में सारे देवता इकट्ठे हो गए खड़े, ऐसे राम और शंकर जो राम भजते थे कुटी में, वो आज हमें सामने दिख रहा है अटल होके। और जो मुख्यमंत्री ओम अटल यात्रा पे भी निकले, हाँ अटल यात्रा पे है ना, अटल यात्रा, हाँ। और जब से हमने देखा है जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा जो राम के विरोध में गलत बोलेगा, नहीं बख्शा जाएगा। ये यहाँ के सेंटिमेंट है, समझ में आ रहे हैं। सुशील जी भी बोलना चाह रहे हैं। सुशील जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो राम में माहौल है, आप तो यहाँ स्थानीय हैं, आप तो यहाँ रहते हैं, आप तो यहाँ लोगों के गणमान्य लोगों में गिने जाते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अयोध्या के लिए ये कितना बड़ा पल है? ये देखिए, अयोध्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो अभी आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात किया, कि हमारा पूरा देश क्या सीख सकता है कि अयोध्या भगवान राम की नगरी तो है ही, लेकिन कई जैन तीर्थंकरों का जन्मस्थान है, महात्मा बुद्ध के भी पवित्र स्थल हैं, तो कई मतों का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो हमारे देश में बड़े लंबे समय तक सांप्रदायिक संघर्ष चला, सांप्रदायिक समस्या चली, तो अयोध्या से यह भी सीखने की आवश्यकता है कि शुजाउद्दौला ने हनुमानगढ़ी का निर्माण किया, वाजिद अली शाह ने यहाँ नियमित भंडारे की शुरुआत की, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय यहाँ पर जो मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने निर्णय लिया था कि सभी लोग सर्वसहमति से भगवान रामलला को सौंप देंगे और यहाँ मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों ने इस मुद्दे को काफी आगे बढ़ाया और बड़ा जटिल बना दिया। तो सुमित जी, आज यह सीखने की आवश्यकता है कि पूरा देश केवल राममय नहीं है, आज इसमें मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग है, लोग चंदा दे रहे हैं, और जो वादी थे हाशिम अंसारी जी, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। तो कैसे देश का सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा और एक राष्ट्र निर्माण की हमारी जो एक अवधारणा है, अभी मैं देख रहा था कि कैसे धर्म के साथ राष्ट्रवाद की बात हो रही, भारत माता की जय के भी नारे लग रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा देश
विश्व गुरु बनेगा, आगे बढ़ेगा और जो एक महान राष्ट्र बनने की हमारी संकल्पना है कि आज अमृत काल में राष्ट्र के हम देश के सभी नागरिकों को बिना किसी जाति धर्म भाषा के भेदभाव के आगे बढ़ाएंगे, रामराज्य की संकल्पना साकार होगी। यही तो रामराज्य होगा। जी जी मारिया, कुछ लोग हैं आपके साथ। महाराष्ट्र से फैमिली आई हुई है, इनके साथ एक छोटी सी बच्ची है, हमारे सबसे छोटे ऑडियंस है, वहाँ पर एक और है लेकिन इनसे अब बात किया जाता है। आपका नाम क्या हुआ? देशना। देशना, देशना। आप बताइए, आप लोग कहाँ से? छत्रपति संभाजी नगर से आए हुए, महाराष्ट्र से। चले तो हमें 3 दिन हो गए आने। आप सबसे बात करो, आए हुए चले तो। पूरा परिवार आया? हाँ, हम दो आए हुए। हाँ, और यहाँ पर कहाँ पर रह रहे? हम जैन धर्मशाला में रुके हुए है, वहाँ पे सब व्यवस्था है अच्छे से और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बताया जा रहा था कि वहाँ पे परेशानी होगी, मिलने को जगह नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, पर बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इलेक्ट्रिशियन। मैं अभी एक हफ्ते से इधर ही रुका हूँ। तो आपने काम से ब्रेक लिया है या फिर से कब से काम से ब्रेक लिया है? अभी जो भी है सब राममय है, सब राम के भरोसे हैं। आप बताइए। चलिए, और भी पीछे में लोग हैं यहाँ पर, आइए आइए आइए। आप ये क्या ये बजाएंगे? राम करताल है। जी जी जी, बजाइए। सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम के भजन चल रहे हैं, यार बातचीत चल रही है, वो लोगों से बातचीत भी करें। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं? नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं? रूपन जी। कहाँ से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से आए हैं, क्यों आए हैं? दर्शन करने? हाँ, दर्शन करने आए। हाँ, कब हुए दर्शन? दो दिन पहले आए। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी कल, उसके बाद दर्शन करेंगे? नहीं, हाँ उसके बाद करेंगे। बात करेंगे ना कल के बाद। आप कहाँ से आए? भोपाल से। भोपाल से आए, अब क्यों आए हैं? दर्शन करने के लिए। दर्शन हुए कि नहीं हुए? 23 तारीख को करेंगे। 23 तारीख को करेंगे, तब तक इंतजार करेंगे। आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर यूपी? यूपी। यूपी से आए। आप कहाँ से आए? रूपनदेही नेपाल। जी, नेपाल से, रूपनदेही जिला से। हाँ, दर्शन हुए? अभी नहीं, 23 तारीख के। यहाँ ठंड ज्यादा है या वहाँ ठंड ज्यादा है? नहीं, यहाँ है वहाँ है। यहाँ तो गर्मी हो गई, यहाँ तो गर्मी हो गई। आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से आया हूँ, स्वच्छ शहर। और यहाँ की स्वच्छता पे क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, सेम वैसे ही लग रहा है जैसे हम लोग इंदौर में रहते हैं, और उससे अच्छा लग रहा है। मैं भजन गाना चाहता हूँ। स्वच्छता की जो काम किया गया, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत जगह डस्टबिन लगे, झाड़ू पोछा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। समय लग रहा है सर, ऐसे ही स्वच्छता यहाँ पर भी है। आप कहाँ से आए? सर हम दिल्ली से अभी आए हैं। दिल्ली से आने के बाद सर कोई ट्रेन नहीं मिल रहा था, इवन बसेस भी नहीं मिल रही थी, फिर भी किसी तरह करके हम लोग इधर आया। आप कहाँ? हम लोग सिवान बिहार से, राजेंद्र प्रसाद के गांव से हम लोग। वहाँ से हम दर्शन तो हुए नहीं। चित्रकूट, 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 चिंताहरण चितवन चारी ओर, जा पर विपता परत है सो आवे ही ठोर। चित्रकूट में गंगा जी जो मंदाकिनी जो है, एक राजा ने विदेश में जाकर के, हमारे देश का व्यक्ति जाकर के बताया कि चित्रकूट में गंगा जी दूध की बहती है, पार्वत सोने का है। वहाँ के लोगों ने, राजा ने एक दूतों को भेजा, तब उस तरह के संसाधन नहीं थे, तो चित्रकूट में जब वो लोग आए। चित्रकूट की तो बहुत महत्वता है, चित्रकूट तो इतिहास में दर्ज है। आप बिहार? बिहार से आए सर, बाइक से आए। बिहार में कहाँ से? सिवान से। सिवान से आए हैं आप? उत्तराखंड से आए जी। उत्तराखंड में कहाँ से? ऋषिकेश। क्या बात, आप कहाँ से आए? आप झांसी से आए भगवान। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ बात बताना चाह रहे हैं? कुछ गाना चाह रहे हैं? लिखा था कि भगवान के राम की कृपा हुई है, यहाँ अयोध्या में आने का सबको मौका मिला है, और यहाँ लिखा है कि धन भारत के भाग अवध में राम जी आए हैं, मिटे शोक संताप सभी जन, पूरे तरह दिल से हर्ष आए, बाहर भीतर सब तरह सबको हर्ष हो गया है, पूरा विश्व भारत हर्ष में है, प्रसन्नता में है, और राम राम सनातन ब्रह्म, सब कोई सहज जान ना पाए हैं, सहज नहीं जान पाए जब शरीर रहा था लोग जी, सहज ना पाए हैं, और धर्मानव की दे राम मर्यादित चरित दिखाए हैं, सब मर्यादित करके सब कुछ राम किया, राम ने जो राम ने मर्यादा स्थापित की है, शास्त्रों में सब वर्णित थे, तो उसी बारे में मर्यादा के साथ सभी जन मिटे शोक संताप सभी जन समार चाहे, राम राज्य की कर स्थापना सभी को एक अंग संग बिठा ले हैं सभी ने। क्या बात, इसी नोट पर एक छोटा सा विराम यहाँ ले रहा हूँ, मैं आता हूँ के पास, मारिया भी है, तमाम मेहमान भी हमारे साथ हैं, और ये विशेष पेंटिंग जो बस्ती के तीनों बच्चों ने बनाई है, इनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, तुरंत लौट के आते हैं हमारी विशेष कवरेज को, आप देखते रहिए।
Broadcast across all channels of NDTV. The crowd that has gathered here is from all across India, perhaps signifying the importance of this day in the run-up to 22nd, which is 24 hours from now. With me, a gathering, and of course my colleague Sumit. It's an impromptu gathering, Sumit. Yes, yes. हम yes. लोग सोच भी नहीं रहे थे. हम तो बद्री जी को लेके आए थे. हाँ. और यहाँ पर रतन शारदा जी और शांतनु आए थे. Yes. और उसके बाद लोग आते गए. कारवा बनता गया. कारवा बनता गया. जी. आप यहाँ पर कब आए? टुमारो कल मैं आया हूँ यहाँ पर. जी. और यह हमारे परम सौभाग्य का विषय है. और आज के दिन इस परम पुनीत पावन दिन में जब सारा का सारा संपूर्ण ब्रह्मांड इस महोत्सव में अकंठ डूबा हुआ है और ऐसे अवसर पर राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, कण कण पुलकित पुरजन हर्षित, कण कण पुलकित पुरजन हर्षित, नगर गाँव सब बजती बधाए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, राजीव. तो आज ये परम पावन वो क्षण है जिस क्षण में राजीव लोचन रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार, जिनके बारे में रामतापनी उपनिषद में कहते हैं कि रमन्ते योगनोनन्ते नित्यानंदे चिदात्मंदी इति राम पदे नासु पर ब्रह्मा विधीयते. जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, जो कण कण में रम रहा है, यही नहीं आज संपूर्ण विश्व आपके माध्यम से और अपनी भावनाओं के माध्यम से अंतःकरण में प्रभु श्री राम जी को उतारते हुए. मैं उन बच्चों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके दिल में, क्योंकि जब कोई एक चित्रकार मूर्ति बनाता है तो पहले वो भगवान उसके दिल में उतरते हैं और उतरने के बाद में फिर वो अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्ति देता है. तो इसके लिए ऐसी कलाएं हमारे संपूर्ण विश्व में विकसित हों और बच्चों के अंतःकरण में राम और हनुमान जी आए. महाराज, ये तीनों बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, ये तीनों आपको धन्यवाद कह रहे हैं. ये तीनों नहीं, इन्हीं तीनों ने बनाया है ये. बहुत सुंदर. मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स है, क्या नाम है आपका? रविकांत जी हैं. रविकांत जी, कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 12:20 का समय का आसपास दिया गया और कहा गया कि 84 सेकंड है. वो जो पल इकट्ठा हुई बना है वो ऐसा पल है जो सालों साल में नहीं बनता है और लगभग वैसा ही है जैसे जब राम, प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था. क्या बताना चाहते? रामो विग्रहवान धर्म. भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण जी से जो शेषनाग के अवतार हैं उनसे इस काल खंड पर कोई चर्चा करते हैं, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है वो उद्धरण आपके चैनल के माध्यम से. मैं सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जो रिजुगुपाणी. राम जी को किसी सीमित दायरे में घेरने का प्रयास हमारी बुद्धि की लघुता का परिचायक हो सकता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सब राम जी की मूर्ति हैं. भाई आप भी राम हो, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं राम आ जाता है जब मैं दया और सहिष्णुता से भर जाता हूँ. राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, अयम शकाल संप्राप्त प्रियो यस्ते प्रियम वदः. हे लक्ष्मण, जो हमेशा तुम प्रिय बात किया करते हो, प्रियम वदः, अलंकृत इवा भाति येन संवत्सर शुभा निहार पुरुषो लोक पृथ्वी शस्य शालिनी जलान्यन उपभोग्यानि शुभर्गो हव्यवाहनः. मतलब समझाइए. मैं इसके मीनिंग पे आ रहा हूँ. लॉर्ड राम बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि अयम सकाल संप्राप्त, आज वो समय आ गया है. लक्ष्मण जी, आप जो हमेशा ही प्रिय वाणी बोलते हैं, कर्ण प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं, आज वही समय आ गया है. अयम सकाल संप्राप्त प्रियो यस्ते प्रियम वदः. हे प्रिय बात बोलने वाले लक्ष्मण, यही समय तुम्हें प्रिय है जो अभी आ गया है. ये यू नो आई स्पोक टू अरुण गोविराज योगीराज वाइफ. शिल्पकार है. व्हाट आई एम गोइंग टू नैरेट नाउ, यस,
this will, if you don't mind, you have 30 seconds, huh? yes I'll take only 30 seconds, the time limit is there, I know that. Alankriti va bhati yena samvatsara shubha, सारा संवत्सर शुभ हो जाए जिस पल से, उस पल की चर्चा आपको एक बात और बता दूं मैं, इस ब्रह्मांड में जितने तारे आपको दिखाई देते हैं सब सूर्य हैं और सबकी अपनी पृथ्वी है और एक साथ सारे ब्रह्मांड में इसका प्रमाण है भागवत में। I'll continue with that. Let me complete. Yes. Please, I'll just बाकी लोग भी हैं। एक मिनट। So अरुण योगीराज wife रतन शारदा जी told me that अरुण योगीराज used to pray that the God should reveal through his hands. So you know what the point that he was making, that in order to ensure that the right image comes out, there has to be some spiritual connect. I am very lucky to have met Arun last year. Okay. Very humble person, very dedicated person, highly devotional. He told me a story when he met, he is a fourth, fifth generation sculptor. So his father never believed in artistry. When he met Shankaracharya statue which is there in Kedarnath, his father patted his back saying, "You are my son." He said, "That was my ultimate day. That is when I feel fulfilled." So that is how he is, and he trains young kids, and he showed me wonderful sculptures he has made. So he's a highly dedicated sculptor, and that is when his father appreciated, "Now I am really an artist." That is the dedication of the family. One more thing, you know, you said ki itne log jama hai. मुझे लगता नहीं कि हम यहाँ बोलते हैं कि मुझे इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ जो इतने सारे भक्तिभाव से शराब और जो भक्ति रस बह रहा है, यहाँ सारे भारत भर से लोग आए हैं, इतना इनके अंदर भक्ति का भाव बिल्कुल उभर कर आ रहा है कि लगता है इनको सुनते रहो. Interestingly, somebody here actually said that there are many who are in, you know, jeans and not really appearing to be those who would know this. Yes. आपने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, यही बोला था. पहन के पहनावा के बारे में मत जाइए. कहने को तो बहुत कुछ है, आपको बताएं, इतना यहाँ परिश्रम हुआ है. कभी हम सिंगल साहब के साथ में जाते थे, लखनऊ गए, दिल्ली गए, तो सोचते नहीं थे कि इतना हो पाएगा. भगवान ऐसा ऐसी कृपा करेंगे. ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, इतना अपार हर्ष मन में हो रहा है, इतना उल्लास है कि जो कह नहीं सकते, बता नहीं सकते. ये जो भक्ति है, ये जो अध्यात्म है, ये जो दर्शन है, और इसके बीच में धर्म है, और सबसे बड़ी बात कि इस धर्म ने सबको जोड़ के रखा हुआ है. एक बड़ी अच्छी टिप्पणी बद्री जी करना चाह रहे हैं. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सुमित जी की, जो जितना ये गाने वाले आपको देख रहे हैं, कितने जैसे हर आदमी में कोई ना कोई कवि बैठा हुआ है, हर आदमी में कोई ना कोई कलाकार बैठा हुआ है, तो ये कहाँ से पैदा हो गया? यानी राम एक स्मृति के रूप में लोगों के पब्लिक इमेजिनेशन में इतने गहरे बैठे हुए हैं, जिसको तुलसी ने कहा कि सकल राममय जानी, जो राममय शब्द हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, तुलसी ने पहले कह दिया है. तो आप देखिए, गांव की औरतों से बात करिए, अपड़ औरतें, राम कैसे थे, उन सुग्गे जैसा नाक था, सांवले थे, पूरा राम का चित्र खड़ा कर देंगी वो, जैसे लगता है राम उनके बगल में बैठे हुए हों. हाँ. तो राम की ये जो छवियां हैं, जिसके बीच हमारी जनता जीती है, उन्हीं छवियों के व्यक्ति इस पेंटिंग में, उन गीतों में, उन व्याख्या में सब जगह आपको दिखाई पड़ रही है. तो राजा राम की अयोध्या कैसी थी, इफ वी वर टू टॉक अबाउट दैट, हाउ वाज अयोध्या अकॉर्डिंग टू हिम And during his times. हाँ, actually अयोध्या जो तुलसी का के समय में अयोध्या है जी. वो अयोध्या एक तरह से एक परिकल्पना है, यानी तुलसी की परिकल्पना है. जैसे कबीर के में बेगमपुरा है, रविदास में बेगमपुरा है, कबीर में मायापुर है, वैसे ही तुलसी में अयोध्या है. अयोध्या रियल भी है, अयोध्या उनका इमेजिन्ड भी है. तो उसको उन्होंने एक सर्वसमाहारी, एक इक्वल, जहाँ कोई भेदभाव नहीं हो, जहाँ कोई दुख सुख दुख नहीं हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहू ना ही व्यापा, and 24 hours of electricity हो जो यहाँ पर है अभी. बिल्कुल. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी. एक छोटी सी कहानी है जी. वो अयोध्या के आसपास की ही कहानी है कि कैसे एक हाथी का दांत, लक्ष्मण गए थे जंगल में और हाथी का दांत उन्होंने तोड़ दिया था. तो राम को जब ये पता चला तो राम गए, और राम ने जाकर के वहाँ उस हाथी से क्षमा मांगी कि हम, और रोने लगे राम. उसमें वर्णन ये है कि राम रोने लगे. ये है यहाँ की लोक कथा है. आप देखिए, यहाँ पर एक जो स्टैचू मंदिर बन रहे हैं, उसमें गिलहरी की मंदिर बन रही है. गिलहरी जिसने कि राम जन्मभूमि राम के टेंपल बनाने में, जो सब नल नील जब बनवा रहे थे तो लोग पत्थर ला रहे थे, तो गिलहरी भी पत्थर ला रही थी, तो वो घायल हो गई. तो उसका जो संवेदना है वो इस लेवल पर है कि गिलहरी को भी कष्ट होता है और उसको भी यहाँ पर स्थापित किया जाता है. एक और कहानी है बद्री जी, मैंने भी सुनी है,
रामायण में जिक्र भी है, जब प्रभु श्री राम जंगल की ओर जा रहे हैं तो पथ में कांटे हैं और उनको ये पता है कि पीछे उनके भरत उनको रोकने आएंगे भाई, और ये नंगे पैर हैं उनका, जब उनको पता लगेगा भाई भरत को तो वो उनके लिए खड़ाव लेकर आएंगे। तो ये कहते हैं जाते जाते जब वन राजा हैं उनसे कहते हैं कि भाई मैं तो निकल आया हूँ लेकिन मेरा भाई आएगा, पीछे से कांटे हटा लेना। तो बोले अगर मैं, उसको पता लग जाएगा कि मैंने कांटे हटवाए हैं, तो बोले अगर मैं नहीं हटवाऊंगा उसको और दुख होगा कि मैं आने वाला था तब भी नहीं हटवाया। तो ये प्रभु श्री राम है, ये राम कथा पूरी संवेदना की कथा है, सबके प्रति संवेदना, सबके प्रति लगाओ, किसी को कष्ट नहीं हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, इससे सबको मुक्त होना है और सबको मुक्त करना है। सुमित, अब हम प्रोग्राम को रैप अप करने की कोशिश करते हैं और आपसे शुरू करेंगे। अभी जो अयोध्या का वर्णन चल रहा है, अयोध्या कैसी थी और आज की अयोध्या में अयोध्या कैसी? वेदों में भी अयोध्या का उल्लेख है, पूरे नवद्वारीम देहिम, नौ दरवाजों से युक्त ये वो अभेद्य किला था, ये ऐसी नगरी थी जिससे रावण भी भेदन नहीं कर सका। और इसके साथ साथ में राम जो राजा थे वो कोई यहीं के नहीं थे, संपूर्ण ब्रह्मांड, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूमि सप्त सागर में खिला एक भूप रघुपति कौशला, सात सागर समुद्र पार जहाँ तक का चतुर्थ पृथ्वी है संपूर्ण के राजा राम थे, और जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड का जो राजा रहा, क्या उसकी नगरी कितनी भव्य और दिव्य होनी चाहिए, ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम उस योग में लौट आए हैं जब अयोध्या अपने आप को फिर सजा रही है, समा रही है। एक दो केवल लाइनें हमारी लिखी हुई, पहले भी मैंने अपनी लिखी हुई रचनाएं गाई थी, सीताराम 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 बोल अवधपुरी की गलियन डोल, सीताराम 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 बोल अवधपुरी की गलियन डोल, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न विचिरहि जहाँ मुदित चारु मन, उस झांकी का अमृत तोल, सीताराम 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 बोल अवधपुरी की गलियन डोल, सीताराम सीताराम। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, एक अगर एक यहाँ से टेकआउट लेके जाना पड़े इतिहासकार होने के नाते, इस पूरे जो पिछले एक हफ्ते का जो मजमा है और अगले कई सालों तक रहने वाला है इस रामलला के मंदिर बनने के बाद, एक चीज जो आप याद रखना चाहेंगे यहाँ से इस पल को, इस 2024 जनवरी? हाँ सुमित जी, यह ऐतिहासिक पल है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण हमारे आगे का समय है कि कैसे हम रामलला से प्रेरणा लेकर के, जो आज हर तरफ भक्ति भाव दिख रहा है, जो सद्भाव दिख रहा है, और जो यहाँ से सीखने की बात है, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को सीखने की बात है। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना तनाव है, संघर्ष है, आज रूस के युद्ध की समस्या देखिए, इजराइल में युद्ध की समस्या देखिए, प्रभु श्री राम का संदेश क्या है कि विनय न मानत जलधिजड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, अर्थात शस्त्र का प्रयोग हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहले अनुनय विनय वार्ता करके और कैसे हम एक सार्थक संवाद के द्वारा समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपका लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे, या क्या लेके जा रही है? सर ने बिल्कुल सही कहा, मैं यही कहना चाहूंगी कि कल जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम जी की है, तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे, तो कल के बाद यहाँ पे पूरी अयोध्या नगरी में, पूरे भारत वर्ष में, हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम ही दिखाई दे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया, ओवर टू यू, क्या करना है? बस खत्म करना है शो को, फिर से शुरू करेंगे कुछ ही देर में, जब खत्म करेंगे तभी तो शुरू करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ये विशेष कवरेज एनडीटीवी के नेटवर्क पर लगातार जारी है, अयोध्या नया अध्याय जो लिखा जा रहा है, जो जिया जा रहा है, जो देखा जा रहा है, देखते रहिए एनडीटीवी।